तो सबा भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी बेटर है, ब्लीडिंग थोड़ी कम है उसको, लेकिन हाँ अभी टेबलेट्स चल रही हैं ब्लीडिंग की। 8 तारीख को उसका स्कैन है ना, 8 को है ना, 8 के बाद चीज़ें जो हैं वो और अच्छे से क्लियरली पता चलेंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि आप सबको पता है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि बस हार्ट बीट जो अब नॉर्मल थी वो नॉर्मल हो जाए ना, तो अगर ब्लीडिंग भी होती रहेगी चीज़ें तो चलो ठीक है, होता है। कई जैसे मैंने कमेंट्स पढ़े, कई लोगों ने मैसेज किए हैं, दीपिका को, सवा को, मुझे भी मैसेज किए हैं कि हमारे प्रेगनेंसी में पूरे 9 महीने ब्लीडिंग हुई है हमें, हम बेड रेस्ट पे थे पर चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन बस दुआ करिए कि वो हार्ट बीट जो है थोड़ा सा नॉर्मल अगर आ गई तो सब वो होगा। बट अभी हार्ट बीट लास्ट स्कैन तक अब नॉर्मल थी, तो देखते हैं, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ बाकी जो अल्लाह की मर्जी है। बाकी वो भी थोड़ा सा अभी नॉर्मल है, खुश रहने की कोशिश कर रही है, हम सब उसके साथ हैं, ज़्यादा उसको रेस्ट ही दे रहे हैं मोस्टली। थोड़ा बहुत इस रूम से उस रूम में कभी आ जाती है, बैठ जाती है, क्योंकि एक इंसान दिन भर 24 घंटे एक ही बेड पे नहीं बैठ सकता, तो कभी इस रूम में आ गई, कभी उस रूम में आ गई, मोस्टली वो रेस्ट ही करती है। और सनी तो बहुत अच्छे से उसका ख्याल, सनी उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा है, साथ है पूरा वक्त, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है, बहुत हिम्मत मिलती है। तो दो इट्स नॉट इन द राइट फेज, बट इट्स गुड टू सी बोथ ऑफ देम दिस वे टुगेदर। तो ये है सबकी हेल्थ का अपडेट, एंड बस जल्दी मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।